आज उपायुक्त महोदया श्रीमती किरण पासी के अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में सभी विभागीय वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी विभागों में चल रही योजनाओं के बारे में बारी बारी से विस्तृत समीक्षा किया गया। उन्होंने कहा कि किसान आशीर्वाद योजना एवं किसान सम्मान योजना से संबंधित चल रहे कार्यक्रम को रैयत समिति से ग्राम सभा में पारित कर आगे की कार्रवाई हेतु प्रखंड स्तर पर भेजे, ताकि जो लक्ष्य है वह प्राप्त हो सके। उपायुक्त महोदया द्वारा बताया गया कि अब रैयत की बाध्यता समाप्त की जाएगी और छोटे से छोटे किसानों को इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि SBM योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों में, खास करके हाई स्कूलों में, ऐप के माध्यम से वोटिंग करा के परिवार में कितने आदमी शौचालय का प्रयोग करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बैठक में उपस्थित वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत स्तर में संध्या 2 से 3 बजे चौपाल लगाना सुनिश्चित करवाएं, साथ ही आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से ग्राम सभा दीवार लेखन करवाने की बात कही गई। बैठक में शिक्षा से संबंधित समीक्षा के दौरान मेहरमा ब्लॉक में कुछ त्रुटियां पाए जाने पर जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिया गया। गोड्डा के सभी स्कूलों में जांच कर स्थिति को देखते हुए जिला स्तरीय कार्यालय में रिपोर्ट करें। वहीं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। फूलो जानो सक्षम महिला आजीविका संस्था को इंडिया की तरफ से मिला महिला सशक्तिकरण श्रेणी का पुरस्कार। फूलो जानो सक्षम महिला आजीविका संस्था में अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में सिलाई की ट्रेनिंग हासिल करने वाली 1300 महिलाएं सिलाई करके आजीविका कमा रही हैं। पुरस्कार शहरी विकास मंत्री CP सिंह के हाथों दिया गया। कल गोड्डा जिला में वाहन सुरक्षा को लेकर गोड्डा नगर थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से ऑटो की कागज पत्तर और दो पहिया वाहन की कागज पत्तर हेलमेट की चेकिंग किया जा रहा था। वहां मौजूद परिवहन विभाग के कर्मी ने बताया कि ये अभियान अभी लगातार चलेगा, जिससे कि आम लोगों में जागरूकता लाई जाए और दुर्घटना को कम किया जाए। 4 माह से नहीं मिला लाभुकों को राशन, प्रखंड का चक्कर काटने को है विवश, कार्डधारी हैं काफी परेशान। पुड़ैयाहाट प्रखंड के अंतर्गत चतरा पंचायत गांव में कार्डधारियों को 4 माह से राशन नहीं मिलने पर प्रखंड का चक्कर काटने को विवश है। शुक्रवार को महिला मंडल डीलर द्वारा चावल तेल नहीं देने पर प्रखंड नगर आपूर्ति पदाधिकारी से कार्यालय में राशन नहीं देने का कार्ड के माध्यम एवं पर्ची के माध्यम से अवगत कराया, जिस पर आपूर्ति पदाधिकारी ने कार्डधारियों पर भड़कते हुए कहा कि बार बार समझाने के बावजूद भी आप लोग समझ नहीं पाते हैं, जहां जाना है जाओ की बात कही गई, जबकि कार्डधारियों को कार्ड में डीलर के द्वारा मई माह तक बिना राशन दिए पर्ची काट कर कार्ड में अंकित किया गया, जून जुलाई का कार्ड में अंकित नहीं किया गया है। मामले को लेकर आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि कार्डधारियों को सदीना महिला मंडल के द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा था, बराबर डीलर की शिकायत आने पर डीलर को सस्पेंड किया गया है, इसके बदले नई डीलर मंजिला महिला मंडल को दिया गया, जो कि कार्डधारियों को राशन सरकार के माध्यम से काटा गया है, जल्द ही कार्डधारियों की समस्या का समाधान करने की बात कही। नई सोच और नई पहल के साथ गोड्डा जिले में पहली बार डीपोर्टिंग की सुविधा वाला एकमात्र स्कूल भारत भारती पब्लिक स्कूल गोड्डा। IITians और NITians फैकल्टीज द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, प्रकृति की गोद में बसा भारत भारती पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। CCTV, बस की सुविधा, छोटे बच्चों के खेलने के लिए गार्डन जहां कई तरह के झूले लगे हैं। शिक्षा की जिम्मेदारी ही है समझदारी, भारत भारती पब्लिक स्कूल।